हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायरेक्टिंग। हमने मैनेजमेंट पढ़ा, प्लानिंग पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा, स्टाफिंग पढ़ा। प्लानिंग में हमने डिसाइड किया ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजिंग में हमने रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। स्टाफिंग में हमें पता है मैन पावर इज द मेन इम्पॉर्टेंट फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स किसी भी ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए, तो पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। अब आ गई डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिंग का मतलब होता है दिशा। अगर आप किसी को बताओगे नहीं कि आपको यहाँ इस तरफ कुछ, अगर समवन इज आस्किंग, आपसे कोई कुछ पूछ रहा है एड्रेस देते हुए कि मुझे यहाँ जाना है, तो यू शो सम डायरेक्शन अगर आपको वो चीज़ पता है। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर अपने एम्प्लॉय से काम कब करवा सकता है? जब वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक दिशा देगा, यू हैव टू डू दिस दैट, मतलब आपको गाइडेंस देनी है, इंस्ट्रक्शन देनी है, काउंसलिंग देनी है और मोटिवेट करना है और उन्हें लीड करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल। जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि कोई आपसे रास्ता पूछ रहा है किसी एड्रेस, कोई एड्रेस का कि उस वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन का गोल आपके लिए वो एड्रेस है जहाँ तक हमें पहुँचना है। उसको पहुँचाने में जो हमें मदद करता है वो है मैनेजर्स, और वो मैनेजर्स अपने एम्प्लॉय से उस जगह तक कैसे पहुंचाते हैं? इंस्ट्रक्शन देके, गाइड करके, काउंसिल करके, मोटिवेट करके कि आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तक ऐसे पहुंचोगे, ठीक है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का मतलब सिर्फ, डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं है, यहाँ पे सुपरवाइज करना भी है एम्प्लॉय को, ठीक है। आपको देखना भी है जब वो काम कर रहा है, जो आपने उसे काम करने को बोला है, अगर वो काम कर रहा है, यू नीड टू सुपरवाइज ऑल्सो दी एम्प्लॉयज। आपको ओवरसी भी करना है, आपको ऊपर से देखना भी वेदर ही इज डूइंग राइट और नॉट, और अगर वो थोड़ा स्लो है तो आपको उसको मोटिवेट भी करना है और उसको फाइनली कहाँ तक पहुँचाने में मदद करनी है ऑर्गेनाइजेशन गोल, और वो कैसे, अगर उसको दिया हुआ काम वो टाइमली कंप्लीट करता है, राइट। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिंग। ओके, डायरेक्टिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, हमें पता है ये भी मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, दूसरों से काम करवाना। आप जब तक उसको काम नहीं बताओगे तो काम होगा नहीं। यहाँ पे आपको क्या क्या करना है? आपको उसे इंस्ट्रक्ट करना है, गाइड करना है, काउंसल करना है, समझाना है, मोटिवेट करना है और उसको बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जाए। आपका, अगर आप मैनेजर हो, आपको एक एम्प्लॉई आपका सबॉर्डिनेट है, आपको सिर्फ उसे इंस्ट्रक्शन नहीं देने, आपको उसे सुपरवाइज भी करना है। जब वो काम कर रहा है आपको ओवरसी भी करना है, आपको लुक आफ्टर भी करना है कि जैसे मैंने बोला है क्या ये वो काम कर रहा है। आप ऐसे नहीं एक्ट कर सकते कि आपने एक बार इंस्ट्रक्शन दे दी तो भाई अभी अपने आप काम करता रहे। नो, एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छी मैनेजमेंट क्या बोलती है, जब आपने इंस्ट्रक्शन दिया आप उसको हेल्प करने के लिए उससे सुपरवाइज भी करो कि क्या वो ठीक से कर रहा है, और अगर वो ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा तो उसको ठीक से करना बताओ, फिर उसे मोटिवेट करो वो कितने अच्छे से और आसानी से, एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। इट ऑल्सो इंक्लूड सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉई वाइल परफॉर्मिंग द जॉब, मोटिवेटिंग देम टू परफॉर्म मोर एफिशिएंटली, और जिससे आपको क्या अचीव, आपको पता है मैनेजमेंट का टास्क क्या है, क्या दिखता है मैनेजमेंट को हर वक्त, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, उस गोल को अचीव करना जो अभी आप फर्स्ट फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ के आए हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन का गोल, प्लानिंग में जो आप पढ़ के आए। और आपको पता है ना प्लानिंग में हम डिस्कस करते हैं कि क्या गोल अचीव करना है, तो यहाँ पे आपने काम बता के उसको राह दिखानी है कि आपको एक्शन में कैसे आना है। आपने स्क्रिप्ट सुना दी, स्टोरी सुना दी, अब आपका अगला काम क्या है, उसको एक्शन में लाना। तो डायरेक्टिंग से क्या शुरू होता है, इनिशिएट्स मतलब शुरू होता है एक्शन। और अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिपेयर अ सेटिंग फॉर एक्शन, पर डायरेक्टिंग से एक्शन शुरू होता है। उससे पहले तो यही चल रहा है जी, ये अचीव करना है, ये रिसोर्सेज इकट्ठे कर दिए, अब आपको लड़ना है, यू हैव टू फाइट इन ऑर्डर टू रीच टू योर गोल, रीच टू योर
ड्रीम, जैसे कि आपने बिजनेस स्टडीज इतने दिन में ख़त्म करनी है, आपने प्लान कर लिया, आपने सारे रिसोर्सेज तैयार कर लिए, जी मैंने कॉपीज बुक्स सब अरेंज कर ली, नोट्स अरेंज कर लिए, उसके बाद एक्शन कब शुरू होगा, जब आप पढ़ना शुरू करोगे, राइट? ऐसे ही होता है ना? तो यहाँ पे एक्शन शुरू होता है, डायरेक्टिंग में एक्शन शुरू होता है. तो अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो इसके अलावा फंक्शंस हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ एक्शन की सेटिंग करके देते हैं और डायरेक्टिंग आपका एक्शन को शुरू कर देता है, राइट? और डायरेक्टिंग भी हर लेवल पे चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक, टॉप से लेकर बॉटम तक, हर जगह सुपरवाइजर को डायरेक्टिंग का काम करना ही करना है. जो भी आपका जूनियर है, सबॉर्डिनेट है, एम्प्लॉई कोई भी है, आपको उसको सुपरवाइज करना है. और अगर आप सुपरवाइज भी कर रहे हो तो समझ लो आप क्या कर रहे हो, यू आर गिविंग दी डायरेक्शन, आप डायरेक्टिंग कर रहे हो. तो ये भी हर जगह चाहिए, इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो टॉप एग्जीक्यूटिव हो, सुपरवाइजर हो, उसको ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने ही करने हैं. डायरेक्टिंग भी स्टूडेंट्स एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है. ये मत सोच लेना कि एक बार आपने बताया जी काम खत्म, आप सुपरवाइजर किस काम की हो अगर आपने एक बार बताया और काम खत्म हो गया, आपको वो प्रोसेस गो ऑन रखनी है. डायरेक्टिंग एक लगातार चलने वाली कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और मोटिवेशन. ये एक लगातार प्रोसेस है जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और मोटिवेशन. आपने सुपरवाइज कर दिया, कम्युनिकेशन क्यों चाहिए? अगर आप सुपरवाइजर हो, आप अपने सबॉर्डिनेट से बातचीत नहीं कर रहे ना ढंग से, तो उसको नहीं समझ आएगा. और अगर आपके बीच में एक अच्छा फ्लो नहीं है कम्युनिकेशन का, तो वो आपसे पूछेगा ही नहीं. अगर आप उसे डराते रहोगे तो एज अ सुपरवाइजर, एज अ सबॉर्डिनेटर, सुपरवाइजर से पूछेगा ही नहीं. आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रखनी है अपने सबॉर्डिनेट के साथ, और लीडरशिप भी आपको फॉलो करनी है. आपको एक अच्छे लीडर की तरह उभर कर आना है कि आप सामने वाले को मोटिवेट कर सकते, देख दोस्त तू ये कर सकता है, यू कैन डू इट, करो. एक गलती कर रहे हो ये नहीं है कि अगर आप सुपरवाइजर, अरे तुझसे नहीं होगा, नो, यू कैन नॉट से सच वर्ड्स. यू कीप ऑन मोटिवेटिंग दैट सबॉर्डिनेट. अगर आप अपने एम्प्लॉई से ढंग से, अपने सबॉर्डिनेट से ढंग से काम नहीं करवा पाए, तो आप एक अच्छे सुपरवाइजर या मैनेजर नहीं है. और एक अच्छी मैनेजमेंट क्या कहती है, आपको सुपरविजन करना है, आपको बातचीत अच्छी रखनी है, आपको लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, और आपको कीप मोटिवेट करना है अपने एम्प्लॉयज, अपने सबॉर्डिनेट को, तभी वो काम कर पाएगा. और डायरेक्टिंग पूरी ऑर्गेनाइजेशन, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलती है तब तक डायरेक्टिंग चलती ही रहती है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब जब मैं डायरेक्शन की बात कर रही हूँ, ओके, लेट वी अंडरस्टैंड. यहाँ पे बोला गया है डायरेक्शन बोल लेते हैं. इट फ्लोज फ्रॉम, ये ऊपर से नीचे जाएगी या नीचे से ऊपर आएगी? अब ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर का मतलब क्या है? सबसे ऊपर तो टॉप होता है, टॉप लेवल, सीनियर मोस्ट, मैनेजमेंट एम्प्लॉई, फिर आपका मिडिल लेवल होता है, फिर आपका लोअर लेवल होता है जिसको बॉटम लेवल भी कह सकते हो. अब इस सिनेरियो में आपको क्या समझ आ रहा है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर और बॉटम लेवल. जब कोई डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, डायरेक्टिंग है, डायरेक्शन का मतलब क्या है, सुपरवाइज करना, ठीक है, कम्युनिकेट करना और मोटिवेट या लीडरशिप, मोटिवेट करना या लीडरशिप रोल, लीडरशिप एक्ट करना, राइट? ये चारों चीज़ें ऊपर से नीचे जाएगी या नीचे से. अब एक सोच के देखना, टॉप लेवल पे एक डायरेक्टर है, मिडिल लेवल पे एक मैनेजर है, लोअर लेवल पे लेट वी अज्यूम एक आपका वर्कर है,
यहीं से समझ आ जाएगा आपको सारी चीज। क्या वर्कर सुपरवाइज कर सकता है मैनेजर को? वर्कर सुपरवाइज कर सकता है मैनेजर को, या मैनेजर डायरेक्टर को सुपरवाइज कर सकता है? ये इसका काम देखेगा? नो, इट मींस डायरेक्टिंग और डायरेक्शन कहां से कहां को जाती है? टॉप लेवल से नीचे वाले को। जो टॉप लेवल का डायरेक्टर मैनेजर कोई भी होगा, ही विल कीप सुपरवाइज द वर्क ऑफ मिडिल लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल विल कीप सुपरवाइज द वर्क ऑफ वर्कर्स, दोज आर एट लोअर लेवल। तो डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब आपको ये समझ आना चाहिए, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इनिशिएटेड मतलब ये स्टार्ट होती है टॉप लेवल से, फ्लो कहाँ को करती है? टू द बॉटम, ठीक है? तो डायरेक्टिंग जो है एक्शन शुरू करती है, ये हर जगह चाहिए, लगातार चलती है और ऊपर से नीचे को जाती है। इट्स वेरी सिंपल, लर्न करना मुश्किल है। एक्शन सीन कहाँ से शुरू होता है? डायरेक्टिंग से। हर जगह आपको पता है, प्लानिंग भी हर जगह चाहिए, डायरेक्टिंग भी हर जगह चाहिए, और आपको जब मैन पावर एम्प्लॉय करना है वो भी आपको हर जगह चाहिए। डायरेक्टिंग लगातार चलती है, प्लानिंग भी लगातार चलती है। डायरेक्टिंग ऊपर से नीचे आती है और प्लानिंग आपको पता है सिर्फ टॉप लेवल करती है, राइट? सो इम्पॉर्टेंस क्या बोलता है? सबसे पहले अभी तक तो सिर्फ हम बात ही कर रहे थे, एक्शन कहाँ से शुरू होता है? डायरेक्टिंग से। इम्पॉर्टेंस बोलती है इनिशिएट्स एक्शन, इट हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप जैसे ही एक्शन में आते हो तो इट मींस यू आर स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स योर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, आप अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव की तरफ पहुंचने लग जाते हो। एम्प्लॉय स्टार्ट वर्किंग ओनली जब उनको इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन मिलते हैं उनके सुपीरियर से। इट इज द डायरेक्टिंग फंक्शन विच स्टार्ट एक्चुअल वर्क टू कन्वर्ट प्लान्स इनटू रिजल्ट्स, राइट? इट हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ये एक्शन शुरू करती है किन लोगों द्वारा? जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और उससे होता क्या है? डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। एम्प्लॉयज काम करना ही कब शुरू करते हैं? जब उनके सुपीरियर उनको क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन, राइट? और डायरेक्टिंग फंक्शन एक्चुअल काम, सिर्फ अभी हम प्लान्स की बात कर रहे थे, अरे ये प्लान है वो प्लान है, अरे यार उस प्लान के लिए काम करना तो शुरू करो, तो वो कहानी, वो एक्शन सीन कहाँ से शुरू होता है? डायरेक्टिंग से। नेक्स्ट इज योर इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटर रिलेटेड। ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज आपस में इंटर रिलेट होती है, आपस से जुड़ी हुई होती है, और वो सारी एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट हो जाती है। वो कैसे? जब सबऑर्डिनेट वो काम करना शुरू करता है, या आप कह लो सारे सबऑर्डिनेट्स की एक्टिविटी, जब जो जो वो काम कर रहे हैं ना, वो एक दूसरे से लेना देना उनका होता रहता है, जिससे कि वो कैसे, जब उन्हें सुपरविजन मिलती है, गाइडेंस मिलती है और काउंसलिंग मिलती है। आपको ना ऐसे नहीं बोला जाता, सुपरवाइजर ये नहीं बोलेगा कि भाई तू ना ये काम कर लियो बस, आपको ये काम करना है और फिर ये आपको ये काम करके देगा और ये बंदा आपको ये काम। इससे क्या होता है? एम्प्लॉयज के एफर्ट को जोड़ा जाता है। और आपको पता है ना, अकेला बंदा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं, हमें टीम वर्क चाहिए होती है। देयर इज अ यूनिटी ऑफ एक्शन, और वो यूनिटी ऑफ एक्शन किसके थ्रू आती है? डायरेक्टिंग के थ्रू। यानी कि सबसे ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन, ये हमने पहले भी पढ़ा था। जब तक अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ भी आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेगी ना, ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल नहीं अचीव कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना है? जितनी भी एक्टिविटीज़ है सबऑर्डिनेट्स की, उनको इंटीग्रेट करना है, आपस में लिंक करना है, जोड़ना है, कि सबऑर्डिनेट का इंटरेस्ट बना रहे। वो कैसे? सुपरविजन, गाइडेंस और काउंसलिंग के थ्रू। इज दैट क्लियर? It integrates the activities of, it integrates the activities of subordinates by supervision, guidance and counseling. और आपको पता है, जब आपको directing मिल रही है, यानी कि supervisor instruction दे रहा है, motivate कर रहा है, communication और leadership दिखा रहा है, तो जो subordinate होता है ना, उसे motivation मिलनी शुरू हो जाती है। It motivates the subordinate एफिशिएंटली, और इससे आप क्या करोगे, मैक्सिमम एफर्ट कहाँ पे डाइवर्ट हो जाता है? टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कि डायरेक्टिंग के थ्रू एक मोटिवेशन मिलती है किसको? सबऑर्डिनेट्स को।
नेक्स्ट इज योर बदलाव को आप लेना शुरू कर देते हो. आपको पता है ये एक सेंस से बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, लोगों से काम करवाना. आपको जब आपको पता है मैनेजमेंट का मतलब क्या है, गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स. और उसमें ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाना है. और आपको पता है एम्प्लॉयज़ कितना रिजिस्ट करते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, रिजिस्ट करते हैं. अरे कोई बदलाव आ गया तो मैं क्या करूँगा, मुझे डर है अगर कोई एडवर्स इफेक्ट आ गया, कोई गलत इफेक्ट आ गया मेरी जॉब पे, मेरी प्रमोशन में. अरे नहीं नहीं, आई वोंट ट्राई सम न्यू थिंग्स. जो नए चीज़ों को अपनाना जानते हैं ना वो ही लाइफ में बढ़ते हैं. हम लोग भी रिजिस्ट करते हैं, अरे यार ये कैसे होगा, नहीं नहीं मैं अपने कम्फर्ट जोन से बाहर नहीं निकलूँगा. आपको पता है जो बंदे रिस्क लेते हैं या फिर जो आगे बढ़ने से डरते नहीं है ना, उनको बदलाव से कोई चेंज कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको अभी सिर्फ मैन्युअली काम करना आता है, एक हाई टेक मशीनरी आ गई या कोई इक्विपमेंट आ गई, अरे इससे कौन चलाएगा, मुझे समझ ही नहीं आएगी, पहले गिव अप कर दो. तो होता क्या है, एम्प्लॉय को ये रहता है अरे मुझसे उस पर मैंने इतने सालों से ऐसे ही काम किया, मैं यही कर सकता हूँ, आई कांट मूव फर्दर. पर आपको पता है ये चीज़ आपको ना आगे बढ़ने से आपकी ग्रोथ में ना इंटरप्ट करती है. अगर आपको आगे बढ़ना है आपको चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. हमने बिजनेस एनवायरनमेंट वही बिजनेस सर्वाइव कर जाता है जो चेंजेस को अडॉप्ट करता रहे. सेम थिंग इज एप्लीकेबल हेयर. एम्प्लॉयज रिजिस्ट करते हैं बदलाव को लेके, मुझे डर है यार ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ऑन देयर एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोशन. डायरेक्टिंग से क्या होता है, एडजस्टमेंट कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन की कि वो जो भी एनवायरनमेंट में चेंज आए वो अच्छा. और डायरेक्टिंग आपको हेल्प कैसे करती है एम्प्लॉयज़ को, मोटिवेट करके उनको पॉजिटिव इफेक्ट्स बताओ. अरे आप ये करोगे बट कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी आप सीख जाओगे. आपको उन्हें मोटिवेट करना है, उनको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताने हैं बदलाव के, चेंजेस के. तो फिर अगर उनको ढंग से डायरेक्शन दोगे, डायरेक्टिंग करोगे, तो एम्प्लॉयज़ रिजिस्ट नहीं करेंगे. आपको एडजस्टमेंट करना सिखाना है अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, राइट. तो इट हेल्प्स द एडजस्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन टू कोप विद द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. अब पांचवा पॉइंट आ गया, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजर्स जब अपना डायरेक्टिंग फंक्शन कर रहे होंगे तो उनको इंस्ट्रक्ट करना है, गाइड करना है, सुपरवाइज करना और इंस्पायर करना है अपने सबऑर्डिनेट को इस तरह से कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में बैलेंस रखें. अगर आप सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो ना तो आप ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में हेल्प नहीं कर पाओगे. रीज़न इज आपको लेना देना नहीं, अरे यार मैं अपना काम, मुझे तो अपने कमीशन से लेना देना है, मुझे अपनी सैलरी से. यू नीड टू, आपको ना दोनों को मर्ज करना पड़ेगा. आपको अपना इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में ढूंढने लग जाओगे ना तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन गोल भी अचीव हो जाएगा और आपका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट जो आपको बेनिफिट सैलरी के फॉर्म में मिल रहा है उसमें भी आप वो भी अचीव कर लोगे. अगर अपना अपना करने लग जाओगे तो वो स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है. तो डायरेक्टिंग कैसे हेल्प करता है एम्प्लॉई को इन दोनों में बैलेंस करने के लिए, आप उसको समझाओ, इंस्ट्रक्ट, गाइड, सुपरवाइज और इंस्पायर करो कि तुम ना इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर सकते हो, वो कर सकते हो. सो दिस हाउ उसको समझ आती है मुझे कैसे बैलेंस करना है, मुझे सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, आई नीड टू थिंक अबाउट माई ऑर्गेनाइजेशन. इज दैट क्लियर. नेक्स्ट है डायरेक्शन के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स. ये हम वैसे अभी समझ के आए हैं. इन चार चीज़ों की वजह से ही आप अपने एम्प्लॉयज से, अपने सबॉर्डिनेट से काम करवा सकते हो. सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन. सुपरविजन मैंने आपको बताया, जब वो काम कर रहा है आपको उसको इंस्ट्रक्शन देनी है, आपको उसे गाइडेंस देनी है, लेकिन आपको ऑब्जर्व भी करना है कि सबऑर्डिनेट काम कैसे कर रहा है, वो प्लान्स के हिसाब से काम कर रहा है, एंड टू हेल्प देम इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स. ऑब्जर्विंग द सबऑर्डिनेट्स एट वर्क कि वो कैसे काम कर रहा है विद प्लान्स एंड टू हेल्प देम इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, राइट. तो इम्पॉर्टेंट थिंग इन सुपरविजन क्या है, इट इन्वॉल्व्स फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट. आपको हमेशा उसके किए हुए काम को ओवरसी करना है, आपको देखना है क्या वो प्लान के हिसाब से काम कर रहा है
और अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपने उसके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया ना, अरे भाई तुम तो सबऑर्डिनेट हो, आई एम दी सुपीरियर एंड आई डोंट हैव टाइम टू टॉक टू यू, या फिर नहीं भाई तुम तो सबऑर्डिनेट हो मेरी, जो डोंट ट्रीट लाइक दैट. आप उसको जितना कंफर्टेबल और जितनी उसकी प्रॉब्लम्स को सुनोगे समझोगे ना, उतना आसान हो जाएगा उसको सर्वाइव करना और आपकी बात को पूरा करना. अगर आप उसके साथ ऐसे बिहेव करोगे तो वो भी होल हार्टेडली आपके लिए काम नहीं कर पाएगा. आपको ऑब्जर्व करना है, जब काम चल रहा है ना तब आपको ऑब्जर्व करना है कि सबऑर्डिनेट काम कैसे कर रहा है. आपको ये भी देखना है उसका वर्किंग क्या है, किस हिसाब की है, और आपको हेल्प भी करनी है उसे वाइल सॉल्विंग दी प्रॉब्लम, कि क्या आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो, राइट. उसके अलावा सुपरविजन में आपको उसके साथ फेस टू फेस बैठना चाहिए एंड यू नीड टू ऑब्जर्व ईच एंड एवरीथिंग. नेक्स्ट इज योर मोटिवेशन. मोटिवेशन क्या कहती है? मोटिवेशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है. आपको उसके अंदर वो एंथुजियाज्म मेंटेन करना है, आपको उसके अंदर वो चाह, वो एक डिजायर कि हाँ मुझे ये काम करना ही करना है, वो आपके अंदर, उसके अंदर वो एंथुजियाज्म ऑल टाइम एनलाइटेंड रहना चाहिए, तभी वो अपना बेस्ट देना चाहिए. आप उसे मोटिवेट नहीं करोगे. मोटिवेशन करने के बहुत तरीके हैं. आप उसकी सेल्फ प्रेज करना, भाई तुम, सॉरी, प्रेजिंग हिज वर्क, उसके काम की सराहना करना, तारीफ करना, उसको रिकग्निशन देना, मोटिवेट करने के लिए उसे कुछ गिफ्ट्स देने, ये चीज़ें उसे हेल्प करती है. अगर रिकग्निशन क्या बोलता है, इफ एन एम्प्लॉई और इफ अ वर्कर इज डूइंग गुड, तो आप उसको रिकग्नाइज करो कोई गिफ्ट या फिर कोई रिवॉर्ड देकर, उसको प्रमोट करके, ये मोटिवेशन उसको और बेहतर करने के लिए आगे बढ़ाता है. नेक्स्ट इज लीडरशिप. ये आपका बिहेवियर है कि आप सबऑर्डिनेटर को एक लीडर की फीलिंग दो. आपको पता है ना, जो एक लीडर होता है ना उसके फॉलोअर्स होते हैं. ध्यान से, मैनेजर अगर एक अच्छा लीडर है ना तो वो अपने बंदों से काम करवा सकता है. अगर आप उसको लीडर बन के उसकी प्रॉब्लम नहीं समझोगे, उससे बातचीत नहीं करोगे, उसे गाइड नहीं करोगे ना, एक लीडर के फॉलोअर्स कैसे बनते हैं? एक लीडर है, उसके जो फॉलोअर्स होंगे ना वो ऑल द टाइम ये देख के चलते हैं कि इस बंदे में कुछ ऐसा है कि ये मुझे इंस्पायर करता है. आप भी किसी को एज अ लीडर, आप किसी को एडमायर करते होंगे, या आपको लगता होगा यार मुझे इसकी तरह बनना है. दैट इज कॉल्ड अ लीडरशिप क्वालिटी. अब लीडर इतना ऐसा होना चाहिए जो सबॉर्डिनेट को ऐसे ट्रीट ना करे, उसको समझे कि मैं अगर इसकी जगह होता तो हाउ वुड आई, मेरे को क्या चाहिए था. तो ये क्वालिटी होती है आपके बिहेवियर में, जिससे कि आपके सबॉर्डिनेट्स को समझने में आसानी मिलती है. आप उसे डायरेक्शन दे सकते हो, उसकी एक्टिविटी को डायरेक्ट कर सकते हो. और ग्रुप एफर्ट्स हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजे आई मीन ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने के लिए. उसके बाद आपका आता है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. आप अगर किसी से बातचीत तब करोगे जब आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी. अब आपके सबऑर्डिनेट को डर लगता है, यार इससे कौन बात करेगा, तो बहुत चढ़ू सा बॉस है ये, मैनेजर तो बहुत चड़ियल सा है, ये तो डांट देगा, ये है वो. नो वन विल टॉक टू यू. एक कम्युनिकेशन होनी जरूरी है. अगर वो आपसे डरता रहे या फिर आप उसको बॉदर ना करो उससे बात करना, तो कभी भी ना एक अच्छी डायरेक्शन आप नहीं कर पाओगे, डायरेक्शन नहीं दे पाओगे, डायरेक्टिंग फंक्शन फुलफिल नहीं हो पाएगा. और अगर ये फुलफिल नहीं हो पाया तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं होगा. तो ये चारों इतने इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं. सुपरवाइज करना, जब आपका वर्कर, आपका सबॉर्डिनेट काम कर रहा है, आपको चेक करना है कहीं गलती तो नहीं कर रहा, कर रहा है तो उसे कैसे करेक्ट करना है, और अगर वो काम करते हुए से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो एटलीस्ट यू सपोज टू बी देयर टू हेल्प हिम आउट, राइट. मोटिवेट करना उसको एंथुजियास्टिक बनाए रखने के लिए, उसके एफर्ट्स को बेस्ट करने के लिए. अगर वो थोड़ा सा भी अच्छा कर रहा है उसको अप्रिशिएट करो, अप्रेज करो, और उसे रिवॉर्ड रिकग्निशन से खुश करो, तो वो ज़्यादा करने की कोशिश करेगा. लीडरशिप क्या बोलती है? आपके अंदर एक लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए एज अ मैनेजर.
आपको अपने सबॉर्डिनेटर्स में वो फीलिंग लानी चाहिए कि वो आपसे खुश रहें, आपसे कुछ जानना चाहें, आपसे डायरेक्शन चाहें, ठीक है। और कम्युनिकेशन तो इतनी ज़रूरी है हर चीज़ में। अगर आपकी किसी से बातचीत नहीं है तो आप उससे कभी कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, और अगर बातचीत नहीं है तो आप कैसे डायरेक्शन दोगे अपने एम्प्लॉयज़ से को, और उनसे कैसे काम करवाओगे। नेक्स्ट इज़ योर सुपरविजन के इम्पोर्टेंस क्या है। जब आप सुपरवाइज कर रहे हो ना, सुपरवाइजर मतलब आप सीनियर, आप सुपरवाइजर हो, बॉस हो, मैनेजर हो, आप अपनी मैनेजमेंट पॉलिसी अपने वर्कर्स को बताओगे और उसको कोई दिक्कत आएगी ही विल आस्क फ्रॉम यू। तो यहाँ पे एक लिंक बन जाता है वर्कर्स एंड मैनेजमेंट का, राइट। और दूसरा, आप सुपरविजन का फ़ायदा क्या है, आप उस हर एक एम्प्लॉय से बातचीत कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन दे सकते हो टाइम टू टाइम। और अगर आपको लगता है यार जितना मैंने बोला है उतना काम इससे नहीं हो रहा, या इसका प्रोग्रेस इतना अच्छा नहीं है एज पर प्लान शेड्यूल, तो आप उसको वहाँ रोक के ठीक कर सकते हो। आप ये सोचो यार मैंने बता दिया अब तो मेरा कोई काम नहीं है, नो, यू कीप ऑन चेकिंग। आपको वो ओवरसी बनाए रखना है, ठीक है। आपको वो मेथड्स भी अप्लाई करने हैं जहाँ पे आपको लग रहा है अरे ये एज पर प्लान नहीं चल रहा, एक्चुअल प्रोग्रेस कम है, तो आप उसको ठीक कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, रिकरेक्ट कर सकते हो। दूसरा, एक डिसिप्लिन बना रहता है। अगर आपकी गाइडेंस, आपका सुपरविजन उस पर बना रहे ना, वो बहुत सिंसियरली काम करेगा आपका एम्प्लॉय। उसको पता है अरे मुझे बहुत डिसिप्लिन मैनर में काम करना है, अरे मेरा सुपीरियर मुझे चेक कर रहा है, और वो एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल और एक स्ट्रिक्ट रूटीन और सही डायरेक्शन में चलता रहेगा, राइट। तो फीडबैक भी आएगा। अगर आप सुपरवाइजर हो और आप डायरेक्टली अपने सबॉर्डिनेट से डील कर रहे हो, तो उसको कोई गड़बड़ या उसको कोई दिक्कत या उसको कुछ और बेटर ऑप्शन दिखेगा तो वो आपको सजेशन दे सकता है, ग्रीवेंसेस अपने आप तक पहुंचा सकता है, कैसे और बेटर कर सकते हैं, या प्लान्स एंड पॉलिसीज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, अपना फीडबैक दे सकता है। क्योंकि एट द एंड आपने टॉप लेवल पे प्लानिंग कर दी, काम तो लोअर लेवल करके दे रहा है ना, तो सबॉर्डिनेट की दी हुई सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सुपरविजन से ये पांच चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। इसके अलावा पहले हम लास्ट के दो पढ़ लें, देन वी विल। मोटिवेशन बढ़ता है एक सुपरवाइजर के, अगर अच्छी लीडरशिप क्वालिटी, एक हाई मोरल बना रहता है एम्प्लॉयज़ में, और रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर अगर अच्छा होगा तो मोटिवेशन हमेशा बनी रहेगी। आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो अपने रिसोर्सेज को। आपको पता है ना, एक बहुत ज़रूरी रिसोर्स आपका आपका मैन पावर है, आपका सबॉर्डिनेट है। तो अगर सुपरविजन अच्छा होगा तो आप जब उसको बार बार देख रहे हो, गलती हो रही है तो उसे ठीक कर रहे हो, तो वो वेस्टेज भी नहीं करेगा, राइट। तो क्या क्या ज़रूरी है, वर्कर और मैनेजर, मैनेजमेंट के बीच में लिंक बना रहता है। आप अपनी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, कंट्रोल बनाए रख सकते हो, कोई गलती हो रही है एक्चुअल और प्लान के हिसाब से चीज़ें एक्चुअल प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा, तो उसको रिकरेक्ट कर सकते हो। डिसिप्लिन बना रहता है, सुपरवाइजर को पता है आप उसे ओवरसी कर रहे हो, तो वो एक डिसिप्लिन बनाए रखेगा। फीडबैक आपको मिलता रहेगा अगर आप सबॉर्डिनेट के टच में हो, और मोटिवेशन उसका बना रहेगा, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे बिल्कुल भी, यानी कि एफिशिएंटली काम होता रहेगा। नेक्स्ट इज योर मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसा फोर्स है जिसका यूज करके आप किसी से कुछ भी करवा सकते हो। आपको पता है यहाँ सामने वाले को ना अगर मोटिवेट कर दो ना, वो इतना इंस्पायर होता है, ही इज़ रेडी टू डू एनी थिंग, यार मैं तो ये करके ही मानूंगा। अब मोटिवेशन बहुत सारी चीज़ें देती है, पैसा भी आपको मोटिवेशन देता है, आपकी ज़रूरतें अगर पूरी हो सकती है किसी चीज़ से वो भी आपको मोटिवेट करती है। मोटिवेशन का ऑर्गेनाइजेशन में मतलब है इंस्पायरिंग द एम्प्लॉयज़ कि वो ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ काम करें, एफिशिएंटली काम करें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। और इसमें बहुत सारी नीड्स अराइज होती हैं, डिज़ायर्स अराइज होते हैं लोगों में टू इनिशिएट एंड डायरेक्ट देयर बिहेवियर इन अ पर्पसिव मैनर, ठीक है। तो मोटिवेशन का मतलब है किसी से उस किसी के अंदर वो एंथुजियाज्म जगा देना कि वो
ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। आपको पता है ना, मोटिवेशन बहुत ज़बरदस्त काम करता है, और आपसे वो भी करवा लेता है जो आपको पता भी नहीं होता आप कर सकते हो। मोटिवेशन हाई रहना चाहिए हमेशा, पढ़ते टाइम भी, कुछ भी ज़िंदगी में चैलेंज आ जाए, मोटिवेशन अपना हाई रखना चाहिए। आप कर जाओगे, यू कैन डू इट, यू कैन, ये वर्ड अपने आप में बहुत मोटिवेट करता है, राइट? मोटिवेशन का पहला फीचर है, मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फिनोमिन है, मतलब एक इंटरनल फीलिंग है जो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई फीलिंग किसी पे कोई प्रेशर क्रिएट करती है, इंटरनल फीलिंग होती है, एक नीड, एक डिज़ायर, एक एस्पिरेशन, एक असर जो ह्यूमन बिहेवियर पे कर जाता है कुछ करने के लिए। इसी इट्स कॉल्ड अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। जरा ऊपर पहले पढ़ लेते हैं, स्टिम्यूलेटिंग पीपल टू एक्ट टू देयर बेस्ट एबिलिटी टू अचीव द गोल्स, इंस्पायरिंग द एम्प्लॉइज टू वर्क विद मोर एंथुजियाज्म एंड मोर एफिशिएंट, राइट? अब साइकोलॉजिकल फिनोमिना क्या कहता है, इट इज एन इंटरनल फीलिंग विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉइज। मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग विच मीन्स आप किसी को फोर्स्ड नहीं कर रहे हो, पर ये एक डिज़ायर, ज़रूरत, एस्पिरेशन होती है जो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है किसी एक पर्टिकुलर मैनर में काम करने के लिए, ठीक है? मोटिवेशन इज अ गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, आपका ध्यान ना पूरा गोल की तरफ चला जाता है। इट इंड्यूसेस पीपल टू बिहेव इन अ मैनर जिससे कि वो अपने गोल तक पहुंच सके। मोटिवेटेड पर्सन वर्क टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल। गोल ओरिएंटेड, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है मोटिवेशन, नेगेटिव भी। पॉजिटिव मोटिवेशन होती है लोगों को इंस्पायर करना, बेटर करने के लिए, उसके काम को अप्रिशिएट करना। जैसे कि आपको बोल दिया कि अगर तुमने ये टास्क कर दिया आपको प्रमोशन मिल जाएगी, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव मोटिवेशन कहती है अगर तुमने काम नहीं किया ना, डिमोशन हो जाएगी, तुम्हारे इस बार इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। ये भी आपको डरा रहा है, ये चीज़ आपको डरा रही है नेगेटिवली, ये नेगेटिव मोटिवेशन है। पॉजिटिव मोशन में कुछ अच्छा करने के लिए आपको, मतलब अगर आपने ये कर दिया तो कुछ अच्छा होगा आपके साथ, अगर ये आपने नहीं किया तो बुरा होगा। दोनों चीज़ में आप पूरा एफर्ट देने की कोशिश करते हो, बट इट्स ऑन यू आप कैसे मोटिवेट कर रहे हो। पॉजिटिव मोटिवेशन मीन्स इंस्पायरिंग पीपल टू वर्क बेटर एंड अप्रिशिएटिंग अ वर्क दैट इज़ वेल डन, पे इंक्रीज, प्रमोशन, रिकग्निशन एक्सेट्रा। नेगेटिव मोटिवेशन मीन्स फोर्सिंग पीपल टू वर्क बाय थ्रेटनिंग और पनिशिंग देम, एग्जाम्पल इशू ऑफ मेमो, डिमोशन, स्टॉपिंग इंक्रीमेंट। मोटिवेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मुश्किल काम है ये। हर इंसान की ज़रूरत चाह अलग अलग होती है और ह्यूमन नीड्स बदलती रहती है टाइम टू टाइम, तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप जिसको मोटिवेट कर रहे हो क्या लालच दे रहे हो या क्या बोल के उसे मोटिवेट कर रहे हो सकता है उसके लिए वो ज़रूरी चीज़ ना हो, तो ये इवैल्यूएट करना भी एक प्रोसेस है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस। ह्यूमन नीड्स आपको पता है कभी ख़त्म नहीं होती, ये मिल गया मुझे ये भी चाहिए, ये मिल गया मुझे वो भी चाहिए, ये लगातार बनी रहती है, ये टाइम टू टाइम हर वक्त बदलती रहती है। सेटिस्फेक्शन ऑफ एक नीड जैसी सेटिस्फाई होती है दूसरी अराइज हो जाती है, एज सुन एज वन नीड इज सेटिस्फाइड दूसरी खड़ी हो जाती है। तो मैनेजर को मोटिवेशन लगातार देते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए अपने सबऑर्डिनेट्स को, राइट? नेक्स्ट इज योर मैस्लोज नीड हायरार्की, राइट? ये मैस्लो थ्योरी, A.H. मैस्लो इज अ मैनेजमेंट स्कॉलर, इन्होंने एक ज़रूरत की हायरार्की बना दी, नीड हायरार्की, और बोला यही नीड्स आपको मोटिवेट करती हैं। इन्होंने बोला कि क्या सबसे पहली चीज़ क्या होती है जो इंसान की, पहले इन्होंने इंसान ह्यूमन बीइंग्स की पांच ज़रूरतें जो सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरतें हैं उन्हें फाइंड आउट किया और बोला कि यही वो पांच चीज़ें हैं जो इंसान को सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है। और इस
मॉडल या इस थ्योरी के बेसिस पे मैनेजर ने ये रियलाइज किया कि लेवल ऑफ एम्प्लॉय टू रियलाइज दैट नीड लेवल ऑफ एम्प्लॉय शुड बी आइडेंटिफाई. अगर आपको किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, आपको पहले उसकी ज़रूरतों का पता करना है, क्योंकि आपको पता है ना लोगों का बिहेवियर उनकी ज़रूरत के हिसाब से होता है. अब किसी को आप इंक्रीमेंट का लालच दे रहे हो, उसके पास बहुत पैसा है, उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो उन्होंने बोला लोगों की ज़रूरतों का एक हायरार्कियल ऑर्डर बनाया जाए. एक नीड अगर उसकी पूरी हो रखी है ना, तो वो उसको मोटिवेट नहीं करेगी. जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, अगर मैं आपको उस चीज़ को बोलूँ कि अगर आप ये करोगे आपको ये मिलेगा, आपको फ़र्क पड़ता है ना, आपको मोटिवेशन भी नहीं मिलेगी. रीज़न ऑलरेडी यू हैव दैट थिंग. तो वो जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी होगी या जो ज़रूरत सेटिस्फाई हो रखी है, वो आपको कभी भी मोटिवेट नहीं करेगी. उसके बाद जो आपके पास नहीं, अगली जो आपकी ज़रूरत है जो आपके पास नहीं, अगर उस चीज़ को आपको दिखा के कोई बोलेगा काम करो, तो आप मोटिवेट हो जाओगे. सो सबसे पहले कुछ अजम्पशन इन्होंने आइडेंटिफाई की कि इंसान का बिहेवियर उसकी ज़रूरतों पे होता है, और लोगों की ज़रूरत एक ऑर्डर में चलती है. एक नीड जैसे ही सेटिस्फाई हो गई, वो अब आपको मोटिवेट नहीं करेगी, उसकी अगली नीड ही आपको मोटिवेट करती है. अब जैसे कि अगर मैं एक इंडिविजुअल के पॉइंट से पूछूं और अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, राइट, सबसे पहले आपको क्या चीज़ चाहिए? अगर मैं एक मिस्टर एक्स की बात कर रही हूँ, सबसे पहले मुझे रोटी चाहिए, मुझे अपनी हंगर नीड सेटिस्फाई करनी, मुझे खाना चाहिए. सबसे पहले खाना होगा तो मैं कुछ करूँगी. खाना मिल गया, मुझे एक स्टेबल इनकम चाहिए जो मेरे को रेगुलर मिलती रहे, जिससे मैं अपनी ज़रूरतें पूरी करती रहूँ. खाना मिल गया, ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक फिक्स्ड इनकम मिल गई. तो आपको पता है ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल, इनको दोस्ती, लोगों से बातचीत करना, ये इनकी एक ये भी बहुत बड़ी ज़रूरत है. तीसरी आ गई, आपको फ्रेंडशिप चाहिए, लोग चाहिए बातें करने के लिए, आपको लोग चाहिए जो आपका दुख सुख सुन सके, बता सके. वो भी हो गया, तो अब आपको चाहिए स्टेटस, आई नीड टू हैव सम स्टेटस. जब वो एक फिनेंशियल स्टेटस या फिर एक सोसाइटी स्टेटस भी आपने अचीव कर लिया, लोग आपको जानते हैं, तब आपको कुछ ऐसा करना है जो कोई भी नहीं करता. सेल्फ फुलफिलमेंट, आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट, जहाँ पे आपका ना तो स्टेटस आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है. मुझे अपनी एक चाह पूरी करनी है, मुझे ना ये बनना था, मैं ये बन नहीं पाया. ऐसी कोई नीड जो आपको सेल्फ फुलफिलमेंट, आपको अंदर से खुशी दे. तो ये एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी कि शुरू कहाँ से हो रही है? नीचे से. ठीक है, पहले हंगर, उसके बाद ये, उसके बाद ये, लास्ट में. ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे पहले आपको अपनी बेसिक सैलरी से लेना देना होता है, उसके बाद पेंशन प्लान, उसके बाद आपके कलीग्स के साथ आपका रिलेशन, वही फ्रेंडशिप, उसके बाद अरे मेरे को ना कोई टाइटल चाहिए, मैनेजर कोई पोस्ट का नाम होना चाहिए, मेरा कोई डेजिग्नेशन होना चाहिए, और उसके बाद गोल अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. आपको समझ आ रहा होगा ये चीज़ें आपको फोकस कर. आपको बेसिक सैलरी मिल रही है, अरे यार आज तो मिल रही है, पेंशन के बारे में कोई अच्छा सा प्लान, अरे वो भी मिल गया. अब यार कलीग्स के साथ भी एक अच्छा रिलेशन चाहिए, ये भी हो गया. अब मुझे एक टाइटल चाहिए जिससे कि भाई लोग जाने मुझे ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का गोल, राइट. अब मैस्लो थ्योरी क्या कहती है, बहुत अच्छे से बताया है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पक्का आती है ये. सबसे पहले आपकी बेसिक ज़रूरतें, रोटी, कपड़ा और मकान. आपको क्या चाहिए? बेसिक ज़रूरतों को क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल नीड. साइकोलॉजिकल मत बोलना, फिजियोलॉजिकल. रोटी, कपड़ा, मकान,
क्लियर। उसके बाद ये मिल गया, रोटी कपड़ा मकान हो गया मेरी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मैं एक फिजिकल सिक्योरिटी की बात नहीं कर रही, बुढ़ापे में क्या होगा, बीमार हो गया क्या हो गया, जॉब सिक्योर चाहिए, इनकम की स्टेबिलिटी चाहिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। उसके बाद दोस्ती याराना और सर्कल चाहिए, सोशल नीड्स। उसके बाद मुझे चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ प्रेस्टीज, रिकॉग्निशन, स्टेटस, मेरी माँ मुझे भी कोई जाने, एस्टीम, एस्टीम नीड्स और स्टेटस नीड्स, ठीक है। और लास्ट में आपको चाहिए होता है कि कुछ और हटके करना, ये सबसे बाद में आती है, यहाँ तक सारे लोग नहीं पहुँचते, पर हाँ आप यार मैं कुछ सबसे हटके करूँ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मैंने कुछ किया, मैंने कुछ हटके किया, वो चीज़ें भी आपको मोटिवेट करती है। इज दैट क्लियर? तो ये नीचे से ऊपर जाती है, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो उसके अलावा ये आपको समझ आ गया, मैस्लो नीड हायरार्की, ये हायरार्की बना दी उन्होंने, बेसिक, फिर सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, फिर सोशल नीड, फिर एस्टीम नीड्स, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। उसके बाद आपका आ गया कैसे इंसेंटिव्स ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट, सॉरी, एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं, फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स। कुछ देखो, पैसा ऑब्वियसली मोटिवेट करता है, इफ़ यू डोंट हैव द मनी आप अपनी कोई ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते। इंसेंटिव्स मतलब जो आपको मिल रहा है वो आपको फिनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव भी, मतलब इंसेंटिव का बेनिफिट। फिनेंशियल बेनिफिट कैसे हो सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग मिल गई, अलाउंसेस मिल गए, बोनस मिल गया, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल गया, परक्विजिट्स मतलब फैसिलिटीज मिल गई, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड वेजेस, जी आपने इससे ज़्यादा बनाया तो एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनरशिप मिल गई, ये आपकी फिनेंशियल इंसेंटिव्स है, फिनेंशियल बेनिफिट्स। नॉन फिनेंशियल क्या है, जिन चीज़ों को पैसे में नहीं तोल सकते, स्टेटस। यहाँ पे तो आपको जैसे फिनेंशियल में आपको क्या समझ आया, फिनेंशियल में प्रॉफिट शेयरिंग, पे, बोनस, रिटायरमेंट, परक्विजिट मींस फैसिलिटीज, प्रोडक्ट लिंक या पार्टनरशिप हिस्सा मिल गया। नॉन फिनेंशियल विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, स्टेटस हो गया, करियर हो गया, अपॉर्चुनिटी, जॉब एनरिचमेंट, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, मतलब जिन चीज़ों को आप पैसे में नहीं तोल सकते, आपको हर साल हर महीने बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है, ये नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव है। आपको जॉब एनरिचमेंट, आपको वो काम करने को दे रहे हैं जो किसी को नहीं दे रहे, ये जॉब एनरिचमेंट है। आपको अब्रॉड भेज रहे हैं एक अच्छी सी ट्रेनिंग के लिए, ये अपॉर्चुनिटी है। आपको हमेशा कुछ ना कुछ मिलता रहता है ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्निशन, 10 बंदों के सामने एनुअल फेस्ट में जो भी है, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, डिसीजन मेकिंग, मेन ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन में आपको बुलाया जाता है, जी आओ बैठो आप भी हमें सलाह दो, आपको कुछ मानते हैं तो आपको ये सब दे रहे हैं ना। एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, जॉब सिक्योरिटी हो गई, एम्प्लॉय तो ये दो तरह के बेनिफिट्स होते हैं, ये भी आपको मोटिवेट करते हैं बेस्ट करने के लिए, राइट? तो बेसिकली यहाँ तक आपको ये समझ आ गया मोटिवेशन क्या क्या चीज़ें आपको दे सकती है। ये चीज़ें मिल रही हैं तो आपका मन करेगा, यू वॉन्ट टू डू मोर, राइट? तो यहाँ पे हम उसी पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, सो ये इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स आपको और बेहतर करने के लिए एंथुजियास्टिक बनाए रखते हैं, राइट? तो यहाँ पे ये सारा कुछ मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा था, आपको ये समझ आ गया होगा अभी तक का, राइट? डायरेक्टिंग का सेकंड पार्ट करेंगे अभी हम, दो पार्ट्स में डिवाइड है डायरेक्टिंग चैप्टर, फर्स्ट पार्ट हमने आज कर लिया, सेकेंड पार्ट नेक्स्ट।